प्रॉब्लम क्रिएट करे छे राजनीति की गति पे मुझे माफ करो सब कुछ बिगड़े हमारे बीच में कुछ बचा नहीं है द लव हैज गॉन फ्रॉम माय साइड ईशानी स्टिल लव्स मी आई एम फोर्स्ड टू नॉट टू लव हर क्योंकि वो मुझे इस तरीके से ऐसी चीज़ें बताती हैं कि उसके जो मकसद थे सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी की उसने इस वजह से मैं उसे प्यार नहीं कर पाता हूँ और मैं बस एक रिवेंज मोड में हूँ और शिखर को बचाने के मोड में तुमने दिल से माफ़ी तो मांगी लेकिन दिल से हमें मुबारकबाद नहीं है ईशा भी और मेरी शादी है हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना वो ये रहा है कि मतलब डनमार के माइंड में एक मिशन आ गया है कि वो शिखर मेरी शादी नहीं कराएगा तो नहीं कराएगा सो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं यू नो किसी भी तरह कोशिश करें कि शिखर मेरी शादी ना हो आप बताइए आप चाहते हैं कि ये शिखर शादी करे मैं भी नहीं चाहती कि शिखर शादी तुम तो मेरी पुरानी तुम्हारे लिए तो हर बात दुआ बन गई आई विश यू and you too are very happy वो ये रहा है कि मतलब डनमार्क के माइंड में एक मिशन आ गया है कि वो शिखर मेरी शादी नहीं कराएगा तो नहीं कराएगा सो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं यू नो किसी भी तरह कोशिश करें कि शिखर मेरी शादी ना हो आप बताइए आप चाहते हैं कि ये शिखर शादी करे मैं भी नहीं चाहती कि शिखर शादी कह रहा था कुछ खिचड़ी पक रही है शायद रणवीर और वो मुझे बोल रहा था कि तू अच्छा हुआ कि तू एक्टर नहीं बना क्योंकि तू बहुत बुरी एक्टिंग करता है वही अच्छा एक्टर होता है उसका एक कहने का मतलब था तो हाँ ये पॉइंट सही कहा उसने ऑल्दो मतलब रियल लाइफ में तो मैं हूँ अच्छा एक्टर पर जहाँ जहाँ बात ईशानी से प्यार करने की मतलब छुपाने की बात आती है वहाँ पे मैं बुरा एक्टर बनता बिकॉज यू नो तुम जितना भी मुँह से वर्ड्स बोल रहे हो तुम्हारी आईज कुछ और ही बोल रही होती है इसकी आईज अगर बोल रहे हैं कि ही लव्स मी मुँह से जितना भी बोल रही हूँ आई हेट यू मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा विजिबल दैट मींस ही लव्स मी